हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 मैथ्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.1 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आज मैं आपको पहले स्टार्ट करवा रही हूँ मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स होते हैं जैसे 2 के मल्टीपल्स, मीन्स जो 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो होते हैं मल्टीपल्स। जैसे 2, 4 मल्टीपल है 2 का, 6 ये भी मल्टीपल है 2 का। तो इस तरह से आज हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनके मल्टीपल्स के बारे में आपको फाइंड करना है। अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही पूछा है, राइट डाउन द 4 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे 3 का मल्टीपल है तो 3 का टेबल, आपको सारे टेबल्स याद करने होंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल्स का मतलब ही होता है गुणज या उसके टेबल में जो जो आते हैं। जैसे 3 का टेबल है, 3 के टेबल में 3 2 6 होता है, इट मीन्स 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 3 4 12 होता है, तो 12 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह से आपको टेबल्स लर्न करने हैं। और क्वेश्चन में यही पूछा है, क्वेश्चन 1 में राइट डाउन द 4 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। जैसे फर्स्ट है, आपको 4 के मल्टीपल्स बताने हैं, तो अगर आपको 4 का टेबल आता होगा तो आप इजीली इसके मल्टीपल्स बता सकते हो। और 4 मल्टीपल बताने हैं, इसको छोड़कर नेक्स्ट 4 नंबर्स आपको लिखने हैं। 4 2 8, तो एक मल्टीपल हो गया 4 का 8। 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, दैट आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 4। सेम एज सेकेंड क्वेश्चन, 7 का टेबल लिखना है, इट मीन्स इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, और 7 5 35। जितने मल्टीपल्स आपसे पूछे गए हों क्वेश्चन में या पेपर में, उतने मल्टीपल्स आपको बताने हैं। और मोस्टली ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आता है। अब 7 के 4 मल्टीपल्स हो गए ये। नेक्स्ट है टेबल ऑफ 14, इट मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 14। अगर आपको 14 का टेबल आता है तो आप लिख देना, अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, ये हैं मल्टीपल्स ऑफ 14। अगर आपको 19 का टेबल आता है तो आप इसके मल्टीपल्स भी लिख सकते हो। 19 2 38, 38 इज़ द मल्टीपल ऑफ 19। 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन देखिए, टिक ओनली द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। इस क्वेश्चन में आपको 3 के आगे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये इसके मल्टीपल्स हैं या नहीं है। इट मीन्स अगर वो 3 के टेबल में आता है जो नंबर, वो तो मल्टीपल है। अगर वो टेबल में नहीं आता तो वो मल्टीपल नहीं है। तो हमें उस पर टिक लगाने के बजाय हम सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टिक या सर्कल ओनली द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको 5 के आगे ये नंबर्स दिए हुए हैं, 3 के आगे ये नंबर्स दिए हुए हैं, 5 9 3 13 और 8। अब आपको ये बताना है 3 के टेबल में 5 आता है नहीं आता, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है, इस पर हम टिक या सर्कल नहीं करेंगे। 9 कम्स इन टेबल ऑफ 3, 9 आता है 3 के टेबल में,
तो आप इस पे टिक या सर्कल कर सकते हो। नेक्स्ट थ्री भी अपने टेबल में आता है तो आल्सो सर्कल ऑन इट। 13 नहीं आता, ये इसका मल्टीपल नहीं है। 18 आता है तो 18 पे आप सर्कल कर दो। ये है इसका फर्स्ट पार्ट कि कैसे आपको मल्टीपल्स फाइंड करने और सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड 5, इसके आगे आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं 45। अब आप देखो अपने आप चेक करो कि ये नंबर्स इसके आगे 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, उन पे सर्कल करो अपने आप। 22 और 55, 45 आता है, 5 9s क्या होता है 45, इट मीन्स इस पर हम सर्कल करेंगे। 11 नहीं आता 5 के टेबल में, दैट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5। 10 आता है, ये मल्टीपल हो गया 5 का। 22 नहीं आता और 55 आल्सो कम इन टेबल ऑफ 5। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। और इसके 12 और 15 दो क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आप अपने आप सर्कल करोगे कि 12 के टेबल में वो नंबर्स आते हैं या नहीं आते हैं। सेम ऐसे ही 15 है, इसमें 25, 35, 15, 40 और 45 दिए हुए हैं। 15 के टेबल में 25 नहीं आता तो इस पे आप सर्कल नहीं करोगे। 35 भी नहीं आता 15 के टेबल में, बट 15 अपने टेबल में आता है तो इस पे आप सर्कल करोगे, दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 15। 40 भी नहीं आता, नॉट सर्कल ऑन इट। 45 आता है 15 के टेबल में, 15 3s 45, तो आप इस पे सर्कल करोगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन है टिक दोज नंबर विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। आपको ऐसे नंबर पर सर्कल करने हैं जो 3 के टेबल में भी आते हो और 4 के टेबल में भी आते हो। अब हम चेक करते हैं ऐसे नंबर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सर्कल या टिक ऑन दीज नंबर्स विच कम्स इन टेबल ऑफ 3 and 4। ये नंबर्स हैं 6, 12, 15, 18, 24 और 30। हमें दोनों के टेबल के साथ चेक करना है कि आते हैं नहीं। अब 3 के टेबल में 6 आता है बट नॉट कम्स इन टेबल ऑफ 4, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, इसलिए हम इस नंबर को नहीं लेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है, इसलिए इस नंबर को सर्कल करेंगे। 3 के टेबल में 15 आता है बट 4 के टेबल में नहीं आता, नॉट सर्कल ऑन इट। 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6s 18, बट 4 के टेबल में नहीं आता। 24 है, दोनों के टेबल में आता है, ठीक है, तो इस पे हम सर्कल कर देंगे। 33 के टेबल में तो आता है बट नॉट कम्स इन टेबल ऑफ 4, सो वी विल नॉट सर्कल ऑन इट। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। और क्वेश्चन ये पेपर में भी आता है ऐसा कि सर्कल करो या टिक लगाओ, ये कौन कौन से टेबल्स में आते हैं। और आपको इसमें कम से कम 15 या 20 तक टेबल्स लर्न करने हैं जिससे आप सभी नंबर्स के मल्टीपल फाइंड कर सको, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ये आपको कॉपी पे करने हैं। थैंक यू।